नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पे। देखिए, एक अभ्यर्थी आ रहा है जिन उनका एग्ज़ाम हो गया, अब टाइमिंग भी हो गया। कैसा रहा भैया एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया रहा सर। किस लेवल का क्वेश्चन था? शॉर्ट लेवल का था, समझे ना कि शॉर्ट लेवल का क्या क्वेश्चन होता है? 1 से लेकर 8 तक था शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे हाई क्लास का होता है ना। अच्छा, हाई क्लास का नहीं था, बस अंक गणित वगैरह था, अलजेब्रा वगैरह था बस। अच्छा, मैथ से सीडीपी से कैसा था? सीडीपी से भी बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट के बारे में वगैरह दिया था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताइए। नहीं अब नया थोड़ी रहता है। और कोई हिंदी किस टाइप का था? हिंदी में लैंग्वेज है, लैंग्वेज के जैसा था। अच्छा, पेडागोजी किस टाइप का था? वो भी ठीक है था। पैराग्राफ कैसा था? सब ठीक था सर, लेवल था, लेकिन किस टाइप का था? लेवल जो था ना, जिस कैटेगरी का जैसे एग्जाम दे रहे हैं, 1 to 5th और 6 to 8 का जैसे दे रहे हैं लोग, वैसे जो फर्स्ट पेपर था 1 to 5th उसी के लेवल का क्वेश्चन था। मतलब समझिए कि बच्चा सबके जैसा जो क्वेश्चन होता है ना, जी माइंडलिटी ऑब्जर्व करना था सर। जी जी, अच्छा अच्छा। लेकिन कितना आपका आ जाएगा इस पर? लगभग हमको लग रहा है कि 85 हमारा सही है, एक्यूरेसी में जा रहा है 85। 85 जी, क्वालिफाई हो जाइएगा जी। 82 पे उठा लेगा EBC हमारा, हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, EBC 1 है, 82 पे हम लोग का कट ऑफ रहता है। तैयारी कहाँ से किए हुए थे? सेल्फ स्टडी सर। सेल्फ स्टडी, ओ तो। और किस टाइप का संस्कृत, किस टाइप का? संस्कृत तो बहुत अच्छा था, अनुवाद वगैरह था, सब श्लोक वगैरह था। अच्छा, ऋग्वेद अर्थवेद ये सब वेद के वगैरह के बारे में, वेदांग के बारे में पूछा। अच्छा, अच्छा। था। अच्छा, और इंग्लिश? इंग्लिश मेरा नहीं था। नहीं था, ओ। और बोलिए, और या थी मैथ में कंटेंट में किस टाइप का क्वेश्चन था? अंक गणित से था सर, और सांख्यिकी वगैरह, स्टैटिक्स वगैरह था, प्लस में मेंसुरेशन वगैरह था। मैथ का पेडागोजी किस टाइप का था? ठीक था, हाँ, माइंडलिटी था कि माइंडलिटी ऑब्जर्व करके उसको कैसे कैच कर रहे हैं उसी का। अच्छा, अच्छा। संदर्भ में दिया हुआ था। CDP से जीन प्याजे कोहलबर्ग, हाँ बस वही दिया था। वही था, हाँ बस वही की नहीं, वो नहीं था, बस दुए को था। अच्छा, पियांजो वाला था। EBS में? EBS में ठीक था, एनवायरमेंट से अधिकांश क्वेश्चन। अच्छा, कंटेंट से किस टाइप का था? क्या सब लिखा है सर? कंटेंट मतलब उल्लू से, हाथी से, ना उस राज्य से, थीम से, वैसा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, बट क्वेश्चन ये था कि मतलब कि आदमी जैसे दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चाल डिस्टेंस किस रूट से निकल रहा है, मतलब कौन कौन से जो है कि राज्य को छूते हुए, नहीं नहीं मतलब किस किस जगह से गुजर कर जो है कि निकलेगा। अच्छा, मतलब अच्छा, हाँ दिल्ली से मुंबई। अच्छा, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं था उसमें, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा था कि दिल्ली से आप जाइएगा तो किस रूट से होकर जाइएगा, तो कौन कौन से उसमें सिटीज पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, वही चूज करना था। अच्छा, बस फूल फल से कोई क्वेश्चन? फूल फल से कोई क्वेश्चन नहीं था, नहीं था। और डिस्टेंस भी नहीं था? डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं था, मैथ में डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं था जी, नहीं। EBS में भी तो डिस्टेंस पूछता है ना? EBS में नहीं था डिस्टेंस, नहीं था जी, नहीं। ओह, और जो कुछ क्वेश्चन बताइए जो एग्ज़ाम मतलब सांख्यिकी में मीन मीडियन मोड से था, मतलब जो 10th में अच्छा से पढ़ा होगा वो आराम से मैथ को कैलकुलेशन कर सकता है। मीन मीडियन मोड से था, स्टैटिक्स से था, और उसके बाद अलजेब्रा वगैरह था। अच्छा, चलिए, और अभ्यर्थी आ रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ किस लेवल का क्वेश्चन था, किस टाइप का था, पेपर कैसा गया, सारे ऑल एनालिसिस हम करेंगे। देखिए, फिलहाल बने रहिए और जाइए, इससे पहले आपने मेरे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए और सीटेट से संबंधित ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो देखिए, कुछ अभ्यर्थी आ रहे हैं। कैसा गया एग्ज़ाम भैया? बहुत अच्छा। किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन था एकदम इजी टाइप का ही था। तो कुछ क्वेश्चन बताइए ना। उतना ध्यान में तो नहीं है। नहीं है, इतना नहीं। जल्दी भुला गए? भुला गए। ओहो, तो क्या क्वालिफाई होगा इस बार? मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, सीखने आए थे, थोड़ा अनुभव लेने आए थे। अच्छा अच्छा, अनुभव लिए हैं ना? हाँ बिल्कुल। ओ, कहीं से तैयारी नहीं की? नहीं, इस बार तैयारी नहीं कर पाए थे। ओ, तैयारी नहीं कर पाए? फर्स्ट ईयर ही था BEd का मेरा। जी जी, अपियरिंग है इस बार। जी जी, उसका अनुभव लेने आए थे सिर्फ। अच्छा अच्छा जी, कैसा रहा क्वेश्चन? अच्छा था। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। किस टाइप का क्वेश्चन था? इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। अच्छा, कहाँ से EBS का किस टाइप का क्वेश्चन था? अच्छा था, लेकिन इस बार जो पहले से हम लोग देते आ रहे हैं उस टाइप का नहीं था, बहुत नया नया क्वेश्चन। इससे पहले आप कई बार दिए? पहली बार दे रहे हैं अभी। ओ, तो कंटेंट से किस टाइप का क्वेश्चन? क्वेश्चन देखे है ना? अच्छा, तो उससे बहुत अलग था। ओ, NCERT कंटेंट से नहीं था बढ़िया? मतलब पहले के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं था, नहीं था। इस बार नया क्वेश्चन। आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो पेडागोजी किस टाइप का था?
अच्छा था। अच्छा था, बच्चे से संबंधित नॉर्मल था या हार्डली था? नहीं, नॉर्मल था। ठीक, नॉर्मल था। मैथ से एक दो क्वेश्चन बता सकते हैं? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? जोड़ घटाओ गुणा भाग किस टाइप का था? हाँ अच्छा था, इजी था। इजी था। रूट से? नहीं, इतना हमको याद नहीं आ रहा है अभी, बहुत याद नहीं आ रहा है, नर्वस है अभी। अच्छा चल, ठीक है, चलिए निकलिए। और अभ्यर्थी आ रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं जो कि अभी हमसे दूर हैं, उन लोग आएंगे तो पूछते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। भैया कैसा गया एग्जाम, काहे भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? किस टाइप का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन बता दीजिए आप। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है। किस टाइप का था? जोड़ भी है, घटाव भी है, स्थानीय मान है। अच्छा, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सब था? सब था। मैथ से था? मैथ। पेडागोजी किस टाइप का? पेडागोजी सही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, थ्योरी बेस है। गलत थोड़ी पूछेगा, लेकिन किस टाइप का था? पियाजे का पूछा है, कोहलर का पूछा है, सब पूछा है। अच्छा अच्छा, सीडीपी की किस टाइप का था? कहे ना, पियाजे से दो क्वेश्चन था, कोहलर का भी था। अच्छा अच्छा, तो किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया था? आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो बता दीजिए। थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है। थ्योरी बेस पे? थ्योरी बेस पे क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड था या कंटेंट बेस्ड था? कंटेंट बेस्ड। आज कंटेंट बेस्ड था। ईवीएस भी? ईवीएस में थोड़ा सा जो है ना, जैसे पहले पूछा जाता था उस टाइप का, इस बार नहीं पूछा गया, नहीं कुछ अलग है। यानी ईवीएस कुछ हार्डली कह सकते हैं? कह सकते हैं। ओ, ईवीएस हार्डली था। संस्कृत था या हिंदी था? संस्कृत था मेरा। संस्कृत में किस टाइप का क्वेश्चन था? संस्कृत का हमको उतना ज्ञान नहीं है, हम संस्कृत तैयारी किए थे या नहीं? नहीं किए थे, हम पास हैं, तीन बार पास है, वैसे ही बैठे एग्जाम में। ओ, तो इससे पहले आप तैयारी किए थे? हाँ, उससे पहले किए थे। तीन, मेरा तीन बार रिजल्ट है या चौथा बार बैठे हुए, तो वैसे तो बिना तैयारी। आप तो बता दीजिए ना कि किस टाइप का क्वेश्चन था, तीन बार किए आप क्वेश्चन नहीं बताए, तो क्वेश्चन तो बता दीजिए। क्वेश्चन पूरा पूरी क्वेश्चन बता दें। हाँ हाँ, उसी टाइप का, जो थोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन उसी टाइप के। जैसे ईवीएस में पूछा हुआ था तटवर्ती, जैसे अच्छा। बंगाल की खाड़ी से सटे तीन राज्य पूछा था। अच्छा, समझे? जी जी हाँ, इसी टाइप से बताइए। मैथ में पूछा था जैसे किसी, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका चालू होने का समय यह है, और जैसे टिफिन का समय वो है, तो दोनों के बीच का अवधि पूछा था। अच्छा अच्छा, हाँ देर। हाँ अच्छा, उसके बाद कोई कंटेंट से, उल्लू से? वही सब नहीं था। नहीं था। राज्य से? लद्दाख से। लद्दाख से। कश्मीर से? नहीं था। डोंगे से? नहीं था। हाउस बोट से? हाउस बोट शायद था। हाँ, हाउस बोट से था। और आप बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन था ईवीएस में, तो हाउस बोट से किस टाइप से क्वेश्चन था? ध्यान में नहीं आ रहा पूरा, ध्यान नहीं आ रहा। चलिए और अभ्यर्थी आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कैसा गया एग्जाम। बहुत अच्छा। किस लेवल का क्वेश्चन था? मीडियम। इस बार क्वालिफाई हो जाएगी सीटें? यस। लग रहा है कि 100% है? हाँ हाँ। किस टाइप का क्वेश्चन तो बताइए तो सही, डर कह रहे हैं, आप भी एक इंसान हैं, हम भी एक इंसान हैं, डरेंगे क्यों? संस्कृत छोड़कर सब सही गया है। सब सही गया, कितना नंबर आ जाएगा अंदाजा? 95+। 95+ आ जाएगा, क्वालिफाई हो जाइएगा। चलिए जाइए, आपको बेस्ट ऑफ लक। क्या क्या नाम है आपका? पूजा कुमार। कहाँ से हैं? सीतामढ़ी। किस टाइप का क्वेश्चन था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। इससे पहले एग्जाम दिए थे क्या? नहीं, नहीं, प्रथम बार है। अच्छा एग्जाम गया है जी सर। इस बार क्वालिफाई हो जाएगा ना पूरा? है अब देखे कैसे, अब किस टाइप का क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो ठीक था। ओ, क्वेश्चन ठीक था। चलिए, ओ भाई साहब, क्या नाम है? मनीष कुमार। कैसा गया क्वेश्चन, पेपर कैसा गया? बढ़िया गया। आप तो लग रहा है पूरा कॉन्फिडेंस में है, क्या बात है? अंदर से कुछ का क्या, क्या लग रहा है? अरे हमको तो लग रहा है आप बहुत अच्छे से एग्जाम दिए हैं। बस जब लग रहा है। सीडीपी किस टाइप का था? सीडीपी जो हम पढ़े हुए थे उससे अच्छा, मतलब एक्सपेक्ट जो किए थे वो आया है। अच्छा अच्छा, अच्छा लगा। संस्कृत थोड़ा टफ था। टफ था। ईवीएस कैसा था, इजी था या टफ था? ईवीएस भी ठीक था। ईवीएस ठीक था? ईवीएस ठीक था। चलिए तो इस बार क्वालिफाई हो जाएगा ना। पैराग्राफ किस टाइप का था? पैराग्राफ भी ठीक था, तो हमको बनाने में जो अच्छा लगा वो तो ठीक ही था। संस्कृत का थोड़ा हमको ज़्यादा लगा है भाष्ट, तो हम उसके बारे में। चलिए फिलहाल देख लिए आप किस टाइप का क्वेश्चन था, और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।